राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर जारी है और भीषण गर्मी के चलते मरुधरा में सब्जियों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। गर्मी के चलते सब्जियों की आवक कम हो रही है और बाजार में सब्जियों की डिमांड ज्यादा है। टमाटर 100 रुपए किलो के पार पहुंच चुके हैं, जबकि नींबू 200 रुपए किलोग्राम के हिसाब से बिक रहे हैं। हरी मिर्च के दाम भी 100 रुपए के आसपास हैं। सब्जी के चलते थाली का बजट गड़बड़ा रहा है और आसमान छूते सब्जी के दामों को लेकर हमारे सहयोगी वजाहत अख्तर ने सब्जी मंडी का जायजा लिया, आप भी देखिए। राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर लगातार जारी है। इस भीषण गर्मी के चलते सब्जी मंडियों में हरी सब्जियों की आवक लगातार कम हो रही है। आवक कम होने के चलते सब्जियों के दाम इन दिनों आसमान छू रहे हैं। नींबू जो इस गर्मी में सबसे ज़्यादा काम में लिया जाता है, जिसकी शिकंजी बनती है, उस नींबू के भाव 200 रुपये किलो से पार पहुँच गए हैं। भिंडी जो है 100 रुपये किलो ज़्यादा महंगी है। टमाटर 100 रुपये किलो हैं। इसके साथ साथ जो अन्य सब्जियाँ हैं उनके दाम भी लगातार आसमान छू रहे हैं। हम खड़े हुए हैं टोंकी सब्जी मंडी में, सबसे बड़ी सब्जी मंडी। आप देख सकते हैं जो महंगे दाम है सब्जियों के, उसके चलते मंडियों में सन्नाटा पसरा हुआ है। ग्राहक काफ़ी कम है यहाँ पर। लोगों का यही कहना है कि सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, थाली का बजट जो है वो बिगड़ गया है। कुछ खरीदार यहाँ पर आए हुए हैं, बातचीत करते हैं किस तरीके से भाव हैं सब्जियों के। आप लेना है सब्जियों के बहुत आसमान को छू रहे हैं। नींबू 150 रुपये किलो बोल रहे हैं। मिर्ची जो बहुत सस्ती थी 40 रुपये किलो, वो 125 रुपये किलो हो रही है। हर चीज़ चारों तरफ त्राई त्राई हो रही है। सब्जियों में मनमापे दाम लिए जा रहे हैं। थाली का बजट गड़बड़ाया हुआ है। हाँ, पूरा गृहस्थी का बजट गड़बड़ हो रहा है। गृहस्थी का, रसोई का बजट जो है, थाली का बजट गड़बड़ हो गया है, क्योंकि हरी सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, किस तरीके देखते हैं लहसुन? महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। प्याज बहुत ज़्यादा महंगे हो रहे हैं। 40 रुपये किलो प्याज हो रहा है। लहसुन 200 रुपये किलो पहुँच चुका है और टमाटर 100 रुपये किलो पहुँच चुके हैं। सब्जी मंडी में रसोई का बजट बिल्कुल बिगड़ गया है। अब कैसे काम चला रहे हैं इसमें? अब चल रहा है कम कम लेके काम चला रहे हैं। लोगों का कहना ये है कि कम कम लेकर काम चला रहे हैं। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं। महंगी क्यों आ रही है, क्या आवक है? महंगी आवत है सो मां को पानी को बाड़ो ना बावड़ा, पानी को बाड़ो ना बावड़ा, काय महंगी काय ने वो सब महंगी है। उली सब्जियां महंगी हैं तो ग्राहक आ रहे हैं नहीं आ रहे? गिराई का अवेला जान थोड़ा गणा दो। लोगों का कहना यह है कि जो भीषण गर्मी है उसके चलते लगातार सब्जी की आवक जो है वो कम हो रही है। गर्मी जब कम होगी तो सब्जी की आवक बढ़ेगी, उससे हो सकता है कि आने वाले समय में सब्जियों के दाम कम हो। वजाहत अख्तर, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ टोंक। वहीं सीकर में भी सब्जियां महंगी है। सब्जी मंडी के साथ साथ सब्जी की दुकानों पर ये हालात साफ नजर आ रहे हैं। फर्स्ट इंडिया की टीम सब्जी बेचने वाले दुकानदारों के पास पहुंची। इस दौरान सब्जी लेने पहुंचे कई महिलाओं ने कहा कि वाकई सब्जी के भाव आसमान छू रहे हैं। दुकानदार ने कहा कि भीषण गर्मी से सब्जी के पैदावार में भारी कमी आ गई और इसके चलते सब्जी मार्केट में कम आ रही है और उसी के चलते सब्जियों के भाव आसमान छू रहे हैं। जरा देखिए, थाली से गायब होता जायका और आपकी जेबों पर लगातार बढ़ रहा है बजट। कुछ यही हाल है सब्जी खरीदने वाले लोगों के। और सब्जी का ये जो बाजार है आप देख पा रहे हैं, कुछ माताएं बहने सब्जी लेने आए, हम जानेंगे सब्जी महंगी होगी। हाँ। तो जी, पहले तो दो दो सब्जी बना लेता, अब तो बड़ी मुश्किल हो रही है। मुश्किल हो रही है। तो अब कैसे, किस तरीके से घर की रसोई में कैसे मैनेज करते हैं आप लोग? पुरानी जो दौर था, ये पापड़ वापड़ के, ये वही मियाँ की सब्जी बनाना पर मजबूर हो गए। वो भी दिन नजदीक है, सही कह रहे हैं। कुछ और भी माताएं हैं, तो आप सब्जी खरीदने आए हैं अभी? सब्जी जो आजमाइश ज्यादा हो रही है, दुकानदार इनसे बात करते हैं क्या कारण है जो सब्जी थोड़ी महंगी हो रही है और सब्जी में देख भी रहा हूँ कि कम है। अजी, सब्जी का तो मैं आपको पहले ही बता दिया, कुछ तो पानी की कमी है और ये गर्मी है, ये लेट बैठी है लू के चलते। और जनता वार्डा का मान उठने लगी, बहुत ज्यादा जनसंख्या होगी इससे। अच्छा, तो जिस तरीके से पिछले दिनों लगातार जो गर्मी पड़ी है, 50 डिग्री टेम्परेचर पे भी तापमान रहा है, वो भी बहुत बड़ा कारण है कि जिस तरीके सब्जी की ये फसल खेती है या सब्जी उगाने का जो दौर है उसमें कहीं ना कहीं पानी और टेम्परेचर है वो बड़ा एक मापदंड रहता है। और टेम्परेचर जो 50 डिग्री पर रहा तो सब्जियों को काफ़ी प्रभावित कर रहा है। यही बड़ा कारण यहाँ निकल कर आ रहा है, जिससे लोगों का जायका, रसोई का जायका भी और जेब है लोगों के वजन पड़ रहा है इन चीज़ों को लेकर। और उसी के चलते सब्जी कम आ रही है मार्केट में और वो महंगाई का दौर लगातार इसी दृष्टिकोण में बढ़ रहा है। यही कहना है इन लोगों का। कैमरामैन पर्सन के साथ में हुकुम सिंह, फर्स्ट इंडिया सीकर।